आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड मैं आज जिस डिवाइस की बॉक्सिंग करने वाली हूँ वो है ऑनर X5 क्योंकि ऑनर इज़ बैक इन पाकिस्तान और ये हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात है क्योंकि ऑनर का ये पहला फ़ोन है X5 जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया गया है और आपको ऑफिशियली ये मार्केट में मिलेगा विद वारंटी और लोकल वारंटी के साथ इसको परचेज़ कर सकते हैं और जो वेरिएंट हमें मिल रहा है वो टू जी बी थर्टी टू जी बी के साथ है तो ये एंट्री लेवल डिवाइस है और प्राइस जो इसकी रखी गई है वो थर्टी वन ट्रिपल नाइन यानी कि थर्टी टू थाउजेंड की प्राइस रेंज में आपको ऑनर एक्स फाइव मिलेगा और जो कलर है क्योंकि इसमें दो कलर्स आ रहे हैं एक हमें मिलता है ओशियन ब्लू कलर और एक हमें मिलता है इसमें सनराइज ऑरेंज कलर का और जो सनराइज ऑरेंज कलर है वो मोस्ट डिमांडिंग कलर है और मेरा भी चूंकि फेवरेट है लेकिन मेरे पास जो डिवाइस है वो है ओशन ब्लू कलर की इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आज अगर आपने चैनल पे कुछ वीडियोस मिस कर दी हैं तो वो जरूर देखिए क्योंकि ऑनर एक्स सिक्स की अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं जो कि चैनल में मौजूद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग सबसे टॉप पे है फ़ोन और हम देखते हैं कि हमारे पास बॉक्स में और क्या है कुछ यूजर मैनुअल मिलता है इसके साथ हमारे पास मिलती है इसकी केबल जो कि यू एस बी की केबल और हमारे पास है इसका चार्जर और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसमें हैंड फ्री है जो कि अक्सर हमें एंट्री लेवल डिवाइसेस में नहीं मिलते ओके okay, तो अब हम इसको साइज भी करते हैं और अब हम फ़ोन की लुक्स देखते हैं ये बहुत कूल cool लग रही है डिवाइस ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये जो इसका बैक पैनल है लिटरली मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर कोई केस है कोई कवर लगाया गया है लेकिन ये जो इसका लेदर बैक फील दे रहा है ये बहुत अच्छा है ऑल दो इसमें एक हल्की सी शाइन आपको मिल रही है और मैट फिनिश तो मैं नहीं कह सकती एक हल्की सी शाइन है लेकिन बड़ा खूबसूरत इसका कवर लग रहा है फिंगर प्रिंट पंजेस भी नहीं बन रहे और काफी ज्यादा स्मूथ है इसका यह बैक पैनल तो यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा दिया गया है जो कि है एट मेगा का और आपको एल ई लाइट मिलती है ए आई कैमराज दिए गए हैं तो कैमरा मॉड्यूल का जो कलर है वो है ब्लैक कलर का और फ्लैट है बिल्कुल यानी कि लेंस इसके अंदर है तो ये काफ़ी कूल लग रहा है ऑनर की ब्रांडिंग है इसके अलावा राइट साइड पे आपको मिलता है इसका पावर बटन वॉल्यूम रॉकर्स बॉटम में मिलते हैं स्पीक Because, आपको चार्जिंग पोर्ट मिलती है ऑडियो जैक मिलता है और इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड में मिलती है इसकी सिम स्लॉट ये है डुअल सिम स्लॉट लेकिन आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंडेबल स्टोरेज इसमें मिलती है अप टू वन टेरा बाइट तक जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है सिक्सटी फोर जी बी इसमें ऑलरेडी स्टोरेज आपको मिलती है लेकिन आप अपनी मेमोरी को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा इसमें पाँच मेगापिक्सल का दिया गया है तो पाँच मेगापिक्सल की जिस तरह की पिक्चर्स होती हैं वैसे ही इसकी पिक्चर है लेकिन बात यह है कि इतनी अच्छी प्राइस में आपको ऑनर की डिवाइस मिल रही है और यहाँ पर आपको एक खूबसूरत डिज़ाइन मिल रहा है अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो सिक्स इंच का मिलता है ऑनर फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है सिक्सटीन हंड्रेड स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ तो यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले इसका है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फुल

डाउनलोड कर सकते हैं तमाम सर्विसेज आपको मिलेंगे जिन जिन मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है कि ऑनर की जो न्यू डिवाइसेज आई हैं इसमें गूगल है कि नहीं तो इसमें तमाम सर्विसेज आपको मिलेंगी तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं इसमें मिलता है मीडिया टेक हिलियो का प्रोसेसर आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रही है फिलहाल जो मैं नोट कर रही हूं तो ईजिली काफी स्मूथली ये ऐप्स uh, ओपन कर रहा है और इजीली आप यूज़ कर सकते हैं फ़ालतू की चीज़ें नहीं हैं इसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो एंड्रॉइड 12 का गो एडिशन मिलता है तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्मूथ इसकी परफॉर्मेंस है कोई भी ऐप आप ओपन कर रहे हैं तो इजीली ओपन हो रही है और जो लोग बहुत ज़्यादा ऐप स्विच करते हैं तो उनके लिए ठीक है ये परफॉर्मेंस मुझे स्मूथ काफ़ी लग रही है फिलहाल जो लोग ऐसे फ़ोन की तलाश में हैं जो कि बजट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो और लुक्स भी उसकी अच्छी हों और उसमें स्टोरेज का ऑप्शन ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं बाय द वे इसमें बैटरी आप आपको काफ़ी बड़ी दी गई है पाँच हज़ार एम की एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है बैटरी आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक दफ़ा चार्ज करें फुली और बस इंजॉय करें सारा दिन तो इस फोन का जो वेट है वो 193 ग्राम है बैटरी इंक्लूड है इसके अंदर और इस फोन की जो थिकनेस है वो 8.92 पॉइंट mm नाइन है तो आ, फोन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और इजीली आप होल्ड कर सकते हैं ग्रिप भी बहुत अच्छा है एक तो मज़े की बात यह है कि स्लिप नहीं होगा आपके हाथ से क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और ये जो एक आपको एक ज़बरदस्त सब पैनल दे दिया गया है विद लेदर फील तो ये बड़े कमाल का मुझे लगा तो जहाँ तक इसके कैमरा की बात है आपको सिंगल कैमरा दिया गया है इसके रेयर साइड पे तो मैं कुछ ऑप्शन देख लेती हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और एक पिक्चर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर कि इसके पिक्चर कैसे आई है एट मेगा से जैसे आनी चाहिए बिल्कुल वैसे आई है आ, बाकी इसमें आप फोटोग्राफ़ी भी नॉर्मल कर सकते हैं तो वीडियो की जो वीडियो आपको मिलती है 1080p तक की और फ्रंट कैमरा से भी मैं सेल्फ़ी ले लेती हूँ फ्रंट कैमरा इसका पाँच मेगापिक्सल का है तो पाँच मेगापिक्सल से आपको पता है कि इस तरह की पिक्चर होती है तो एक नॉर्मल पिक्चर आप इससे ले सकते हैं वेल well, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ऑनर एक्स फाइव उन लोगों को लेना चाहिए जिनका एक नॉर्मल यूज है लेकिन उनको बैटरी बड़ी चाहिए और जिनको लुक्स भी अच्छी चाहिए एक अट्रैक्टिव लुक उनको चाहिए एक अच्छी स्क्रीन चाहिए फुल व्यू डिस्प्लेस में दिया गया है स्टोरेज का ऑप्शन आपको ज्यादा मिल रहा है तो ये था ऑनर एक्स और ये था कुछ मेरा ओपिनियन वेल आप बताएं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा रिगार्डिंग ये जो ऑनर ने ऑफिशियली दोबारा से पाकिस्तान में एंट्री की है और बहुत ही अच्छी डिवासिस लेकर आया है मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते लाइक और शेयर भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज